Hello everyone, I am Ibadur Rahman and today I am going to start chapter 17, Angles and their properties of class 6 mathematics. In this chapter we will discuss about the angle and types of angle and properties of angle. So let's start the chapter. What is angle? Everyone open page number 239. An angle is figure formed by two non-collinear rays having a common endpoint. Each of rays of an angle is one of its side. The common end point is the vertex of angle. The region between rays OX and OY is the interior of the angle. Suppose here two rays O as a common point, OX and OY are the side of angle, initial side and terminal side, and the space between these two rays is known as the angle. Now angle ko measure kaise karte hain? The size of an angle depends on rotation up to the terminal side. The amount of this rotation is called measure of angle. ये इनिशियल साइड है, ये टर्मिनल साइड है. सो फ्रॉम इनिशियल टू टर्मिनल साइड जो रोटेशन होगा, जो मूवमेंट होगा, वो आपका क्या कहलाएगा? मेजरमेंट होगा. जो डिस्टेंस एंगल, वो आपका एंगल के मेजरमेंट की प्रोसेस होती है. मीन्स कहाँ से जाएंगे? इनिशियल टू टर्मिनल साइड की तरफ. ओके, सो हियर ये एंगल बन रहा है, इट इज़ नोन एज एंगल एम ओ एन, एंगल एम ओ एंगल एन. नाउ ऑन पेज नंबर 240, naming of angle. An angle may be named in three ways. First, with three letter, with one letter, and with a numerals or a small letter. For example, in this figure here angle is formed. If we want to indicate this angle, we can write angle A O B, or simply we can say that angle X or angle 1 or only angle O. Okay, angle symbol of angle is this. Okay, it is angle X or angle 1. Same as we can indicate angle AOB or angle BOA. Otherwise, if we want, we indicate only single letter angle O. पर सिंगल लेटर में सिर्फ ओ को रिप्रेजेंट करेंगे, एंगल ए या एंगल बी नहीं रिप्रेजेंट होगा. जहाँ पर एंगल बन रहा होगा उस पॉइंट को एज ए एंगल के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जाता है. बट बेस्ट वे जो होता है वो इस तरीके से इंडिकेट किया जाए तो वो बेस्ट होगा. अदरवाइज आपके समझने के लिए आप ये भी कर सकते हैं, किसी लेटर से उसको इंडिकेट कर सकते हैं, एंगल एक्स और एंगल वन. राइट ऑल पॉसिबल एंगल्स इन द फिगर. अब इस फिगर में जितने भी एंगल्स बन रहे हैं उनको हमको इंडिकेट करना है. अब देखिए यहाँ पर एंगल वन इंडिकेट इन्होंने किया, इसको एंगल टू, एंगल वन इज और एंगल एक्स, एंगल टू और एंगल वाई. अब इस एंगल को अगर नीचे जो एंगल बन रहा है उसको इंडिकेट हम कैसे कैसे कर सकते हैं? एंगल आर ओ क्यू. ओके, एंगल आर ओ क्यू. अदरवाइज यहाँ से स्टार्ट किया था, एंगल क्यू ओ आर, ये हो गया. इसी को हम लिख सकते हैं एंगल एक्स आर एंगल वन, एंगल वन और एंगल एक्स. अब इसमें देखिएगा, हम यहाँ पर एंगल ओ नहीं लिख सकते हैं, जैसे कि ऊपर के क्वेश्चन में एंगल ओ को एंगल ओ से इंडिकेट किया था. बट यहाँ पर एंगल ओ नहीं रिप्रेजेंट किया जा सकता है. क्यों ऐसा है? क्योंकि यहाँ पर देखिए एंगल ओ कॉमन पॉइंट है दोनों एंगल का, इसका भी इसका भी कॉमन पॉइंट है. सो एंगल ओ लिखने से ये क्लियर नहीं होता कि आप इस एंगल की बात कर रहे हैं कि इसकी बात कर रहे हैं. यहाँ पर सिंगल एंगल था सो एंगल ओ लिखा जा सकता था, बट यहाँ पर एक ही कॉमन पॉइंट पर डिफरेंट एंगल बन रहे हैं. सो एंगल ओ इज़ नॉट पॉसिबल टू इंडिकेट एनी पर्टिकुलर साइड एंगल. ओके, सो एंगल ओ इज़ नॉट स्पेसिफिक इन इट सेंस, इट्स माइट रिफर टू एनी ऑफ द थ्री एंगल्स विद द वर्टेक्स. अच्छा, अब और कौन सा हो सकता है? एंगल आर ओ क्यू हो सकता है, ऐसे एक एंगल पी ओ क्यू हो सकता है, एंगल टू आर एंगल वाई, ये हो गए. एक एंगल तो ये भी बन रहा है ना, आर ओ पी, एंगल आर ओ एंड पी. इज इट क्लियर? नाउ इंटीरियर एंड एक्सटीरियर ऑफ एंगल क्या होते हैं?
इंटीरियर ऑफ एंगल मीन्स ऐसे पॉइंट जो एंगल के अंदर आए. लेट एंगल ए बी सी, एंगल ए बी सी इन दिस फिगर. सम पॉइंट्स आर गिवन पी क्यू आर एस एल एम एन के. द पॉइंट के एल एम एंड एन लाई इन साइड द एंगल ए बी सी कॉल द इंटीरियर ऑफ द एंगल. एल एन एम के ये सब क्या है, एंगल के अंदर आ रहे हैं ना. सो दिस पॉइंट इज नोन एज द इंटीरियर ऑफ एंगल. दोज पॉइंट ऑफ आउटसाइड द एंगल, एंगल पॉइंट पी क्यू आर, पॉइंट पी क्यू एंड आर एस ऑल्सो, दीज पॉइंट्स आर एक्सटीरियर ऑफ एंगल. ओके अच्छा, कौन कौन से पॉइंट एंगल के ऊपर आ रहे हैं. पॉइंट ए, पॉइंट बी, पॉइंट डी एंड पॉइंट सी. पॉइंट ए बी सी डी लाई ऑन द लाइन ए बी एंड बी सी ऑफ एंगल, सो इट इज़ कॉल्ड द बाउंड्री ऑफ एंगल. मीन्स जो इनसाइड द एंगल है इंटीरियर पॉइंट, जो आउटसाइड द एंगल है एक्सटीरियर पॉइंट, एंड दोज लाई ऑन ए लाइन ऑफ एंगल इज नोन एज द बाउंड्री ऑफ एंगल. ओके इज इट क्लियर. नाउ स्टार्ट एक्सरसाइज 17A. फर्स्ट क्वेश्चन, गिव एनी थ्री एग्जाम्पल ऑफ द योर एंगल्स फ्रॉम योर एनवायरमेंट. अब हमको तीन ऐसे एग्जाम्पल बताने हैं जो कि हमारे एनवायरमेंट में हैं. तो आपकी बुक में जो आंसर दिया गया आइए उसी पे डिस्कस करते हैं. नेम द फॉलोइंग एंगल इन थ्री डिफरेंट वेज. अब हमको एंगल को बताना है थ्री डिफरेंट वेज में कौन कौन से हो सकते हैं. अब इस एंगल को इंडिकेट करना ना, फर्स्ट एंगल ए बी सी, यू कैन राइट एंगल ए बी सी. अदर एंगल सी बी ए, एंगल सी बी ए आर सिंपली एंगल बी. Otherwise here a letter A, so you can write also such way angle A. Okay, same as in this figure, angle Y Z X, angle Y Z X or angle X Z Y, angle X Z Y or simply angle 1 or you can say angle Z. Same as here, angle R Q P, या तो फिर ऐसे लिख सकते हैं angle P Q R. Is simply angle Q, otherwise indicate as a single angle 2. ऐसे यहाँ पर बिल्ड कर लीजिएगा, ये आप अपना काम आपका हो जाएगा. ओके नाउ थर्ड क्वेश्चन, द गिवन फिगर शो ए सी इज अ लाइन, ए सी इज अ लाइन आर बी ए बी सी बी डी रेज. देयर आर थ्री एंगल्स इन द फिगर, ओ इज एंगल ए बी सी, वॉट आर द अदर्स. अब इन्होंने कहा है कि बी ए बी सी एंड बी डी रेज, यस इट इज रेज. दे आर थ्री एंगल्स इन द फिगर. अब यहाँ पे तीन एंगल बना रहे हैं, कौन कौन से हैं ये बताना है. वन इज एंगल ए बी सी, एक एंगल है एंगल ए बी सी, इट इज करेक्ट 180 डिग्री. सेकेंड ये इंटीरियर है ना, ये एरो डायरेक्शन है एंगल ए बी डी. देखिए ये एरो का डायरेक्शन है, ऐसे मीन्स ए से स्टार्ट करना है, एंगल ए बी फर्स्ट एंगल ए बी डी, सेकेंड एंगल डी बी सी. अब देखिए थ्री एंगल था, दो एक इन्होंने बता दिया था, दो ये और हो गए. ओके नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फोर, फिगर फोर शो टू इंटरसेक्टिंग लाइन पी क्यू एंड आर एस. कुड यू थिंक ऑफ द फिगर आर बींग फॉर्म्ड बाई फोर रेज विद द कॉमन एंड पॉइंट, यस ओ एस ओ आर ओ पी ओ क्यू. ठीक है फोर रेज हो गई. नेम द लीस्ट सिक्स एंगल दैट आर फॉर्म्ड बाई द रेज. अब कौन कौन से एंगल है देखिएगा, एंगल पी ओ आर पहला एंगल हो गया, एंगल पी ओ आर ऐसे, एंगल पी ओ आर फर्स्ट, सेकेंड एंगल आर ओ क्यू, एंगल आर ओ
क्यू, ये एंगल क्यू ओ एस, एंगल क्यू ओ एस, एंगल एस ओ पी, एंगल एस ओ पी, और क्या हो जाएंगे, एंगल पी ओ क्यू, ये पूरा एंगल, एंगल पी ओ क्यू, एक और लिख दीजिए एंगल पी ओ एस, एंगल पी ओ एस, देखिए पी ओ एस, ये कंप्लीट एंगल। आप कोई भी ले सकते हैं, इन्होंने सिक्स पूछा था तो सिक्स लिख दिया गया। नेम द सिक्स एंगल इन फिगर दैट हैव एज ए वर्टेक्स ओ। अब इसमें सिक्स एंगल आपको फॉर्म करना है कि कौन कौन सा एंगल। फर्स्ट एंगल डी ओ सी, सेकेंड सी ओ बी, बी ओ ए, ये हो गए, उसके बाद डी ओ बी, डी ओ ए, सी ओ ए, बहुत से ले सकते हैं, वो आप अपना बना सकते हैं। नेम द गिवन फिगर, क्वेश्चन नंबर फिगर सिक्स, लिस्ट द पॉइंट विच आर इन द इंटीरियर ऑफ एंगल ओ। इन द इंटीरियर ऑफ एंगल ओ पॉइंट एम एंड पॉइंट एन आर इंटीरियर पॉइंट। ओके, सिंपली राइट हियर पॉइंट एम एंड पॉइंट एन एंड नथिंग एल्स। इन द एक्सटीरियर ऑफ ओ, बाहर कौन कौन से, राइट हियर पॉइंट एक्स एंड पॉइंट वाई। लाइंग ऑन ओ, अब पॉइंट ओ पे कौन कौन से आ रहे हैं, पॉइंट ए एंड पॉइंट पे, हियर टू पॉइंट्स आर गिवन, सो लाई ऑन एंगल ए ओ, पॉइंट ए एंड पॉइंट बी। दिस इज योर एक्सरसाइज 17A। इन नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट एक्सरसाइज 17B। सो रीड द चैप्टर वेरी केयरफुली, ट्राई टू अंडरस्टैंड एंड रिपीट दिस वीडियो। इफ यू कांट अंडरस्टैंड एनी डाउट, you may ask me on my WhatsApp number, otherwise you can write in comments box. Thank you everyone, goodbye.